एक ऐसा तरीका बता रहा हूं कि पैसे कमाने की जो चिंता है वो आपका खत्म हो जाएगा आज अभी इसी वक्त। पैसे की टेंशन आपको नहीं रहेगी, बहुत पैसा रहेगा आपका। जो भी जरूरत है, जैसे खाने का खुराकी है, रूम का किराया है, गाड़ी का पेट्रोल है, ईएमआई है, इंश्योरेंस है, जो भी कर्जा है वो देना है, कहां से आ रहा है, कैसे होगा, आपको इसकी चिंता नहीं रहेगी। इतना पैसा आपके पास आता रहेगा या ये सब अपने आप होता रहेगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। एक ऐसा वीडियो जो मैं आज आपको दे रहा हूं जो आज से पहले मैंने कभी नहीं दिया था और ना ही आप इस तरीके से कभी सुने होंगे। एक गरीब आदमी जो जीरो से शुरू करके, मतलब जीरो से, उसके पास कुछ नहीं है, ना ज्यादा पढ़ा लिखा है, ना उसके पास पैसा है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है। अगर वो जीरो से शुरू करना चाहता है और पैसा कमा करके अपना जो जीवन है वो पैसों के मामले से मुक्त करना चाहता है कि मुझे पैसा नहीं कमाना पड़े, उसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा काम, वो भी जल्दी कुछ दिन के अंदर, इससे पैसे के मामले से मुक्त होना है कुछ दिन के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो मैं रास्ता, वो मैं तरीका आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि यार मुझे पैसे न कमाना पड़े, है ना, बिल्कुल मैं फ्री हो जाऊं, मैं अपने मर्जी के हिसाब से जीऊं, जो मेरा खर्चा है वो अपने आप कहीं से आता रहे, कुछ ऐसा बंदोबस्त हो जाए, कुछ ऐसा मैं ढूंढ लूं तरीका, या कुछ भी ऐसा कर लूं जिससे कि पैसा अपने आप आता रहे, महीने का 20-25 हजार 30 हजार रुपया अपने आप आता रहे बिना कुछ किए। अगर आप ऐसा सीखना चाहते हैं तो मैं आज आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यदि कोई गरीब इंसान है और सच में उसको पैसों की भूख है, जरूरत है, तो इस वीडियो को देख करके आज से अगर अप्लाई करता है ना, आज जुलाई की मैं बात करूं, आज से अगर वो अप्लाई करता है तो कुछ समय के बाद वो देखेगा कि पैसों के मामले से वो बिल्कुल फ्री है, पैसा उसको कमाने की चिंता नहीं रहेगी। तो वीडियोज को शुरू करते हैं, वीडियोज को एक लाइक कर दीजिएगा यार, हाँ ये तो मैं कहूंगा आपसे। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जो लिखा है उसको टच कीजिए, एक नोटिफिकेशन की घंटी आएगी उसको भी आप ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे वैसे इसका नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है। और मैं चाहता हूं हर भाइयों की मदद करूं जो ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि आपको कितने पैसों की जरूरत है, तभी तो आप फ्री हो पाएंगे ना। आपको पता ही नहीं है कि मुझे कितना पैसे चाहिए, आपको क्या आपको पता है कि मुझे आपको कितना पैसे चाहिए, कितना पैसे रहेगा तो आपको कमाने की चिंता नहीं रहेगी, आपको पता है, नहीं पता है। तो मैं यहां पे लिख करके पहले आपको समझाता हूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, समझ में आ जाएगा। एक बार इस गणित को आप समझ लेंगे तो आपको पैसे कैसे कमाएंगे मैं वो भी तो बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि आप पैसे कमाएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आपको पैसे से फ्री होने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पैसे से, जी हाँ, पैसे से फ्री होने के लिए आपको कितना रुपए की जरूरत पड़ेगी, ताकि आपको टेंशन न रहे, हर महीना उतना आता रहे। और फिर मैं बताऊंगा कि उसको कमाने के लिए आपको बंदोबस्त क्या करना है, किस तरीके से वो आएगा उतना पैसा, ठीक है। तो चलिए मैं लिखता हूं यहां पे, यहां से मैं लिखता हूं, ये मैं लिखता हूं, आपके घर में बिजली लगा होगा, ठीक है, बिजली लगा होगा, बिजली का कनेक्शन आपके घर चल रहा होगा, साथ में आपका जो खुराकी है, मैं यहां पे लिखता हूं खुराकी, आप खुराकी में क्या समझ सकते हैं, आटा, दाल, चावल या कुछ भी, है ना। उसके बाद से क्या लगता है, अगर आपने कोई लोन लिया है 2000 का, 5000 का या 1 लाख का, है ना, कोई मैं लिखता हूँ लोन, ऐसा बोल सकते हैं, मोबाइल फोन लिए होंगे, गाड़ी लिए होंगे, कुछ भी ले सकते हैं, ये लोन आपका, ये खर्चा होता है। और क्या खर्चा है, उस गाड़ी में आप पेट्रोल डलवाते हैं रोज, ठीक है, पेट्रोल डलवाते हैं, या आपने कोई इंश्योरेंस करवाया होगा, है ना, इंश्योरेंस करवा, बीमा करवाया होगा, है ना, उस बीमा में आपको हर महीने पैसे देना होता है, है ना, इस तरीके से। और चलो कुछ मैं रुपए रख लेता हूं जिसमें कि आपका दवाई वगैरह का खर्चा लगता होगा, आपके परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो उसका भी खर्चा मैं जोड़ लेता हूं, ठीक है। अब ये देखिए होता कितना है, ये बिजली का खर्चा है आपका, है जो मिडिल क्लास के लोग हैं ज्यादातर, मैं मान लेता हूं 1000 रुपया उनका हर महीने का बिल आता होगा, है ना। और खुराकी जो है इसको मैं मान लेता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ये 5000 रुपये मैं आराम से आदमी खा सकता है, 5000 रुपये खुराकी में भी मैं मान लेता हूं। ये जो लोन आपने लिया है इसका कम से कम 3000 रुपया, ऐसा बोलो 3000 रुपया आपका लोन भी, आप महीने का कुछ न कुछ, अगर मोबाइल फोन लिए हैं, आईफोन लिए हैं या कोई बाइक लिए हैं, बाइक लिए होंगे मिडिल क्लास के हैं तो चरपहिया तो लिए नहीं होंगे, अगर चरपहिया भी लिए हैं तो ऐसा मान लो कि 3000 रुपया आपका ईएमआई इसका आता होगा, लेकिन ज्यादातर बाइक वाले हैं इसलिए मैं 3000 लिखा हूं, ईएमआई ज्यादा भी होगा, 5000 भी हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। मैं एक अनुमान बता रहा हूं कि आपको खर्चा कितना चाहिए और फिर मैं बताऊंगा कि आपको वो पैसा आएगा कैसे बिना कुछ करे, सोचिए बिना कुछ करे वो हर महीने आपके पास आता रहेगा, ठीक है।
अब देखिए पेट्रोल है, पेट्रोल आप महीने का कितना डलवाते होंगे, चलो मैं मानता हूँ 100 रुपए का पेट्रोल डेली फूंकते होंगे, तो 3000 रुपए मैं ये भी मान लेता हूँ, है ना। और इंश्योरेंस यानी बीमा आपने करवाया है तो छमाही होगा, सालाना होगा, तो ज्यादा होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, मैं महीने का हिसाब लगा रहा हूँ, तो इंश्योरेंस भी आप 2000 रुपया मान लेते हैं कि आपका इंश्योरेंस में भी जाता होगा। दवाई है, आपको बीमार पड़े न पड़े 1000 रुपया चलो उसको भी मान लेते हैं आपका खर्चा ये रहेगा। अब देखिए 5000, एक 6000, 3 9000, 3 12000 और 2 15000, 1 16000, कितने रुपए होते हैं, 16000 रुपया आपका हर महीने का क्या है, खर्चा है। 16000 रुपया आपको हर महीने क्या चाहिए, खर्चा चाहिए, जिससे कि आप अपने इस दुनिया में सरवाइव कर सकें और आपको इतना रुपए कहीं से इंतजाम हो जाए। मैंने 16 लिखा है, आप इसको 20000 भी मान सकते हैं, कुछ लोगों का ज्यादा खर्चा होगा, मैं मानता हूं कि 20000 रुपया आपको हर महीना चाहिए तो आपका परिवार सुखी से आराम से रहेगा, है ना, और उनको कोई चिंता नहीं रहेगी। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये तो आपको समझ गया कि आपको कितना रुपए चाहिए, लगभग 20000 रुपया आपको चाहिए जिससे कि आपकी कंडीशन ठीक रहेगा, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, है ना, बाकी लोगों की जो जी रहे हैं उनसे अच्छे खासे और बेहतर जिंदगी आप जिएंगे। हर महीना आपको 20000 रुपया चाहिए पैसे से फ्री होने का। अब देखिए ये 20000 रुपया मैंने लिखा है, लेकिन अब ये 20000 रुपया आएगा कैसे, 20000 रुपया आएगा कैसे, क्योंकि आप काम करें या ना करें ये फिर भी 20000 रुपया आपका लगेगा हर महीने का, अगर इस तरीके से लाइफ स्टाइल जीते हैं, इतना रुपए खर्च। अब बहुत से लोग होंगे जिनका इससे 10000 में भी काम चल जाता होगा, बहुत से लोग हैं जो 5000 रुपए में भी काम चला लेते होंगे महीने का, और बहुत से लोग हैं जो 2000-3000 रुपए में भी अपना काम चला लेते होंगे। फिर भी आप ये बातें सुनिएगा, क्योंकि आगे चल करके आपको भी ये सामना नहीं करना पड़े और इससे आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। तो ये तो समझ आ गया, हमें 20000 रुपया चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि हम करें क्या, हम तो गरीब हैं, अब इतना रुपए तो हमारा खर्चा नहीं है, लेकिन अगर हम खर्चा बढ़ा लेते हैं तो इतना रुपए हो जाएगा, तो पैसा आएगा कैसे, क्या करूंगा मैं, तब तो हम तो किस कहीं के लायक नहीं है, हमारा जमीन बेचना पड़ेगा, हमारा घर बेचना पड़ेगा। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, हमें ना प्लान करना चाहिए, समझना चाहिए। मैं भी एक प्लान बनाया हूं, जिस प्लान के, देखो यार मैं भी अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर रहा हूं। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं भाई आप इतना समझा रहे हो, आपको क्या आप ये खुद करते हो, क्या आपको ये पता है, क्या आप अपने पर अप्लाई किए हो कि मुझे बता रहे हो। मैं कहता हूं हां, मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूं और कर रहा हूं, उसके बाद ही आपको बता रहा हूं, और मुझे इससे फायदा हुआ है, आपको भी इससे फायदा होगा, बहुत जल्द आप पैसे के मामले से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। जैसे मान लीजिए आप क्या है, अभी जीरो, कुछ नहीं है आपके पास, ना पैसा है, ना पूंजी है, ना कोई मशीन है, कहीं से आमदनी नहीं है, आप एक फ्रेश आदमी है जो कि इस तरीके, लेकिन हाँ मन है आपका, आपका मन है कि मैं कमाऊंगा, मुझे पैसे मतलब बिल्कुल फ्री होना है पैसों के मामले से, मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, भले मुझे नौकरी करना पड़े, बिजनेस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं कमाना चाहता हूं, ठीक है। ये मन में है और अंदर से भी है, ऐसा कहने के लिए नहीं है, लोगों को देख करके वो जी रहा है ऐसे तो मैं भी जीऊंगा कभी, ऐसा नहीं, आपके अंदर भी वो आग लगी है कि नहीं यार मुझे भी जीना है, आज से ही मैं क्या ऐसा करूं कि मैं जो है अपना पैसों के मामले से फ्री हो जाऊं। अगर ये आग आपके अंदर अभी लगी है तो सुनिए मैं बता रहा हूं, आप जीरो हैं, कुछ नहीं आता आपको, क्या करना है, कोई भी काम तलाशिए, ठीक है, आपके शहर में कोई भी काम जो है मिल जाएगा जिनको हेल्पर की जरूरत है, समझिएगा मैं आपको जीरो से बता रहा हूं, कोई किसी के पास भी जा करके बोलिएगा कि भाई मुझे हेल्पर बना लो, मैं एक हेल्पर आपको अगर चाहिए तो बोलो मैं तैयार हूं, है ना, कितना रुपए सैलरी दोगे आप बताओ मुझे, जीरो से मैं बता रहा हूं, एकदम ईमानदारी से, कोई कागज पे पढ़ के नहीं, आत्मा से बता रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसा खुद किया है और मैं क्या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके से करते हैं, बिल्कुल जीरो से। आप किसी के यहाँ जा करके बोलो कि भाई हेल्पर का काम है, या फिर पढ़ते रहो, घूमते रहो, देखो जहां पे भी आपको मौका मिले, अगर चलो कोई नहीं पूछता आपको, ये यहां तक मैं बोल देता हूं, अगर आपको कोई नहीं पूछता है कि कोई आपको रखता नहीं है काम पे, बोलता है कि तेरे को कुछ नहीं आता, नहीं रखूंगा, हेल्पर भी नहीं रखता है, आप दिहाड़ी करना शुरू कर दो, गिलावा माटी का काम करना शुरू कर दो, ईंट भट्टों पे काम करना शुरू करो, कोई बुराई नहीं है, एक महीना किसी भी तरीके से, एक महीना दो महीना आप मेहनत करो। अब देखो आपको अगर 10000 रुपये मैं कहूं कमाना है, जीरो से 10000 अगर मैं कहूं कमाना है,
आप क्या दिमाग लगाएंगे, क्या आप दिमाग लगाएंगे मैं जीरो से 10,000 रुपया कैसे कमा सकता हूं, है ना। मैं कहूंगा सबसे आसान रास्ता है बिना कुछ दिमाग लगाए, आपको अगर कोई हेल्पर में रखे तो आप वहां लग जाइए, बोलिए आजकल तो कौन 8-10 हज़ार रुपये नहीं देता यार, हर कोई दे देता है, और नहीं भी देता है तो कोई बात नहीं, 1-2 महीने में तो 10,000 हो ही जाएगा, है ना, इतना कर लीजिए। अगर वैसे भी नहीं होता है तो रोज का दिहाड़ी कर लीजिए, रोज दिहाड़ी करेंगे तो 350 रुपये मिलता है, 350 रुपये मिलता है। आप 50 खा भी जाते हैं तो भी 300 आपका प्रत्येक दिन का बनता है, और किसी ऐसे जगह पे जाइए जहाँ पे रेगुलर आपको दिहाड़ी मिले, और वहां पे जाकर 40 दिन आप काम कर लीजिए, 40 दिन काम करेंगे आपके पास 12,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अगर 40 दिन नहीं कर सकते, जितना दिन आपको करना, कहने के बोले कि कम से कम पूंजी आप तैयार कर लीजिए 10,000 रुपया, 10,000 आपके पास रहेगा तो आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे वहां से। तो ये 10,000 रुपया लाने के लिए आप समझ चुके होंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आपके पास 10,000 है तब तो इसके आगे वाली बात सुनिए, अगर नहीं है तो ये आप काम कर लीजिएगा। देखो यार, मैं जो भी बताता हूं मैं सोचता हूं आपके अंदर तक वो बात जाए, आप उसको समझ पाए, ऐसा नहीं, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके बोलता हूं। बहुत से लोग कहते हैं सर आपकी वीडियोस तो बहुत बड़ी होती है, क्या करें। अरे भाई, मेरा जो कंटेंट होता है, मेरा जो वीडियोस होता है, मैं चाहता हूं आपको समझाऊं, बारीकी से समझाऊं, ताकि आप समझ जाएं कि वास्तव में करना क्या है। अब ये तो समझ आ गया, अब मैं इसको मिटाता हूं। अब आपने इतना काम करके आप कितना इकट्ठा कर लिए, 10,000 रुपया आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है, एक महीने में लगभग, ठीक है। अब इसके बाद से, अब यहां से आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है, क्योंकि आपको पैसे से फ्री होना है, आपको जिंदगी भर काम नहीं करना है। जिंदगी भर जो काम करते हैं वो फिर समझ लो कि वो इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे, फिर मतलब अपनी लाइफ को क्या एंजॉय करेंगे। अगर उस आदमी की टेंशन ही यही बना रहे कि भाई मैं पैसा कैसे कमाऊं, क्या करूं, पैसा ही नहीं है, तो क्या घूमने जाएगा, क्या वो अपने बच्चों को सुख देगा, क्या वो अच्छी पढ़ाई देगा, क्या वो कहीं दुनिया में जाएगा घूमने के लिए, कहीं अलग अलग जगह पे घूमने का तो उसका नाम ही निशान नहीं है, क्योंकि उसको ये प्लान नहीं बनाता है। वो यही सोचता है कि चलो आ रहा है पैसा, कमा रहा हूँ, आ रहा है कार, कमा रहा हूँ, आ रहा है, बस इसी में लगा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत विद्वानों ने, बहुत बहुत बड़े लोगों ने ये बात कहा है कि आप पैसे से भी फ्री हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपको पैसे कमाने की चिंता न रहे। अब देखिए, अब ये 10,000 रुपया है, अगर आज से इस जुलाई के महीने में, ये बरसात के मौसम में अगर आपको कुछ करना होगा, शुरू करना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आज से ही मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। जहां तक मैंने जो प्लान बताया है, आप लास्ट में इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि क्या ये जो बातें मैं बता रहा हूं ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हैं, या इस दुनिया में कोई भी इंसान इसको कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। इस बरसात के मौसम में अगर आपको कुछ शुरू करना है तो मैं कहूंगा आप 10,000 रुपए का, है ना, 10,000 रुपए का क्या खरीदिए, छाता खरीदिए, बता रहा हूं आपको, छाता, छाता बोले तो अम्ब्रेला जो होता है ना, छतरी, अम्ब्रेला जो बरसात में हम लगाते हैं। देखो, अगर आप पूरे तन मन धन से वास्तव में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, पैसों से मुक्त होना चाहते हैं, चाहते हैं कि मुझे यार जीवन भर काम ना करना पड़े, 2-3 साल बस इतने दिन में मैं फ्री हो जाऊं, और आज से ही मैं उसका बीज बो दूं और आज से ही अभी से उसको शुरू करूं, तो मेरी बात को आप गांठ बांध लेना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई एजुकेशन सिस्टम आपको ये नहीं बताता है। मैं भी रहता हूं इस दुनिया में ही ना, तो मुझे कोई समझाया नहीं है, मैंने खुद लोगों को देख देख करके, अब जर उनके एक्सपीरियंस को, अनुभव को देख देख करके समझा, अरे यार ये तो बहुत आसान है, आदमी पैसे से फ्री हो सकता है, तो उसको करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा, अगर एक गरीब आदमी है उसके हिसाब से मैंने ये बनाया है प्लान, उसको क्या करना चाहिए, 10,000 रुपए का क्या करना चाहिए, छाता, और 10,000 का अगर वो छाता, चलो मैं मानता हूं एक छाता मार्केट में बिकता है 220 रुपए का, मार्केट में बिकता है कितने का, 220 रुपए का, लेकिन अगर वो होलसेल में जो दुकानदार उसको लाता है तो मुझे लगता है कि वो 100 रुपए के आसपास में ही लाता होगा, 100 रुपए में ही लाता होगा। अब छाते में भी कई वेराइटियां हैं, तो आप देखिए कि मुझे में किस में फायदा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है ना। एक ऐसा छाता आप हायर कीजिएगा, एक ऐसा छाता आप खरीदिएगा। मैं छाते का बिजनेस इसलिए बता रहा हूं, और बहुत आसान है इसे छाते का पैसे कमाना, छाते से पैसे कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बता रहा हूं कैसे। ये जो छाता है आप होलसेल रेट में खरीदेंगे,
जितना मैं भी खरीदें, लेकिन देखिए कि मुझे इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं भी होता है फिर भी आप उस पर 100 रुपए रख करके बेचिएगा। अगर आपको वो 100 में मिला है और आप उसको 100 लेकर के और 200 में बेच रहे हैं तो ये बिक जाएगा। मैं बता रहा हूं कैसे बिकेगा, और आपको ऐसे ही बेचना है। आपको लगता है ना कि यार ये तो 50 रुपए मार्जिन है, 60 रुपए मार्जिन है, आप 100 रुपए लीजिएगा। क्यों लीजिएगा? क्योंकि आप इसको लेकर के लोगों तक पहुंचाएंगे और ये बहुत आराम से बिकेगा। लोग एक जगह रहेंगे ना तो कस्टमर इसके पास आएगा। किस तरीके से, आगे मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप ये सुन लीजिए कि 100 छाता आप खरीदेंगे 10,000 रुपया में, ठीक है, 10,000 में आप 100 छाता मिल जाएगा, 100 रुपए अगर मिल रहा है तो। अब इसको आप बेचेंगे जब तो 100 × 100 होगा, यानी कि 10,000 रुपया और आपका आ जाएगा, ठीक है। और आज आप एक टारगेट रखिएगा, टारगेट ये रखिएगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, बाइक नहीं है, साइकिल तो होगा आपके पास, ये तो मुझे पता है, बाइक है तो भी ठीक है, साइकिल है तो भी ठीक है, आप किसी भी, बरसात हो रही है अच्छी बात है, बारिश आ रही है कोई बात नहीं, है ना, आप निकलिए। आपको थोड़े दिन, कुछ दिन, एक महीना से कम मैं बोलूंगा, एक महीना से भी कम आपको मेहनत करना है, थोड़े दिन आपको मेहनत करना है, बरसात आ रही है कोई बात नहीं। आप सोचिए कि मैं अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं, मैं पैसों से फ्री होना चाहता हूं, तो मुझे आज भले ही बरसात में भीगना पड़े, मैं घर नहीं रहूंगा, मैं निकलूंगा। आप निकलिए, निकलिए, देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। आप इसको बेच के आएंगे, आप एक दिन में टारगेट रखिए कि मैं 25 छाता बेच के आऊंगा किसी भी हाल में, 25 छाता आप एक दिन में बेचेंगे, यानी 4 दिन लगेंगे आपको 100 छाता बेचने में, क्योंकि 25 × 100 होता है, रोज आप 25 बेच रहे हैं अब बिक जाएगा, और 4 दिन में आप 100 छाता बेच देंगे, यानी 4 दिन बाद आपके पास 10,000 रुपया क्या होगा और हो जाएगा। 10,000 आपका ये था और 100 रुपए अगर कमा रहे हैं तो 100 छाता बेचने के बाद आपके पास 10,000 और हो जाएगा, यानी 4 दिन के बाद। मैं कहता हूं चलो 5 दिन में भी अगर आप कर लेते हैं, 5 दिन में भी ये हो जाएगा भाई, हो जाएगा, विश्वास करो मेरे, मौसम चल रहा है अभी, 25 छाते पीछे बांध लो ना यार, बाइक पे किसी पे, और निकल के लगा दो यार किसी भी चौराहे पे, किसी भी मार्केट में चिल्ला चिल्ला कर बेचो ना, शर्म लाज सब त्याग करके बोलो ना, छाता ले लो 220 रुपए बोलो, 200 में बिकेगा यार, नहीं 20 देंगे कोई बात नहीं, तो 20 रुपए लोग छुड़ा लेते हैं। आप 100 रुपए तो दे के जाएंगे, और 100 रुपए न दे तो आप उसको दो ही मत, आपको 100 रुपए मिलना चाहिए, भले लोग खरीदें ना खरीदें, आप किसी और जगह जाओ, इस दुनिया में आप सोचते हो कि मैं इतना लूंगा कोई नहीं खरीदेगा, अरे बहुत से ऐसे लोग हैं आंख मून करके पैसे देते हैं, आपको आदत लग जाएगी, 4-5 दिन के बाद आपको समझ में आ जाएगा। 10,000 रुपया आप 4 दिन में कमाएंगे, 5 दिन में कमाएंगे, और 5 दिन में कमाने के बाद आपके पास हो जाएगा कितना, 20,000 रुपया, 20,000 रुपया हो जाएगा। और 20,000 को आप फिर मंगाइए छाता, मैं आपको बता रहा हूं क्यों, 20,000 का फिर छाता मंगाएंगे आपके, अब की बार आपके पास होगा 200 पीस, और 100 रुपए के हिसाब से अगर आप इसको देखें तो 20,000 रुपया आपका ये फिर बनेगा। कितने दिन में, 8 दिन में, मैं कहता हूं 10 दिन में लग गए, 10 दिन ये लग गए, 5 दिन और लग गया, 15 दिन में आपके पास 20,000 और 20,000 40,000 रुपया हो जाएंगे 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिन के अंदर 40,000 हो जाएंगे, समझ लीजिए मैं बता रहा हूं हो जाएगा। पहले आप ये बात आप मानो तो सही कि हो जाएगा, आपको लगता ही नहीं यार कि ये होगा यार, क्योंकि आपकी आदत ही कुछ और पड़ी है, अरे नहीं होगा, अरे हो जाएगा, आप कहो मन से कि हो जाएगा, एक बार मन से निकाल करके तो देखो हो जाएगा, फिर ये मन बताएगा कि कैसे कैसे होगा, आपका मन ही बताएगा ये कैसे कैसे होगा, है ना, एक बार हजम तो करो अपने अंदर पे, ठीक है। अब देखिए आपके पास 15 दिन के बाद 40,000 रुपया हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 40,000 रुपया को, है ना, 40,000 रुपया को कहां पे लगाना है, आपको दिमाग लगाना है, 40,000 रुपया यानी से इसमें से 10,000 रुपया आप अलग कर दीजिए और 30,000 रुपया अलग कर दीजिए, 30 − 10,000 रुपया, ठीक है। अब ये 30,000 को क्या करना है, आपको एक ऐसे जगह पे कमरा लेना है किराए पे, है ना, कमरा लेना है किराए पे, जहां पे जो थोड़ा सस्ता हो, रास्ते पे हो, किसी गांव के पास में ही हो, रास्ते पे हो, इस कमरे को लेकर के, और एक और जो है आप कमरा लीजिएगा, ठीक है, रेंट पे, बहुत गांव में सस्ता मिल जाता है, ज्यादा डिपॉजिट भी नहीं देना होता है, और इस तरीके से लीजिएगा कि कोई ज्यादा डिपॉजिट वाली बात ना हो, है ना। और उसमें क्या करना है, एक छोटा सा आपको सैलून का दुकान खोलना है, क्या करना है, सैलून का दुकान खोलना है, यहां से भी और यहां से भी, है ना, शहरों में तो डिपॉजिट देना होता है, लेकिन गांव के समीप खेतों में खोल देना, खेतों के आसपास खोल देना, नहीं रास्ते में होना चाहिए, और उस रास्ते में आप सैलून का दुकान खोलो, ये दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस मैं आपको बता रहा हूं, सैलून का,
आपको काम नहीं आता है कोई बात नहीं, आपको काम करना भी नहीं है, आपको कैंची लेकर काम नहीं करना है, जो बता रहा हूं पहले उसको सुनिए, है ना। और इसको सैलून को खोल करके, है ना, और वहां पे एक लड़के को रख देना है। एक लड़का कौन सा, अब ये लड़का कहां मिलेगा मैं आपको बता रहा हूं। किसी सैलून में आप जाइएगा और वहां पे ना लड़के काम करते रहते हैं, जो कारीगर होते हैं। अरे दुकान तो किसी एक ही की होती है, वहां पे जो लोग होते हैं वो कारीगर होते हैं, वो काम करते रहते हैं। वो ना सोचते हैं कि मुझे कोई नई जगह मिल जाए, नया लोग मिल जाए, नया दुकान पे मिल जाए जहां पे मैं जाऊं। और उनका हिसाब किताब क्या होता है वो भी आपको बता रहा हूं। दुकान किसी एक का होता है और वहां पे जो लड़का काम करता है उसको आधा पैसे मिलते हैं। बोले तो अगर वो 200 रुपये कमा रहा है लड़का, तो 100 रुपया उसका होगा और 100 रुपया दुकानदार का होगा, ठीक है। वहां पे तीन लड़के हैं तो तीनों 100-100 रुपये उसको देंगे। अगर वो 200-200 कमा रहे हैं तो 100-100 रुपये उसको देंगे और दुकानदार को 300 मिलेगा। दुकान उसने क्या किया है, एक ना ऐसे कमरा लेकर के और दुकान खोल दिया है, सीसा कंघी कैंची क्रीम पाउडर सब रख दिया है, और रख करके चुपचाप लड़कों को रखवा दिया है और बोलता है कि तू जितना कमा मुझे 100 रुपए चाहिए, या फिर आधा 50-50 पे, अगर तू 500 कमाता है तो 250 मेरा। इस तरीके से वहां पे लोग काम करते हैं। आप ये दिमाग लगाओ कुछ एक्स्ट्रा करना, आपको क्या करना है उसको बोलना है कि मैं ज्यादा नहीं लूंगा, तुमसे 100 रुपए लूंगा, ठीक है। आपने एक दुकान खोला, इसमें 2-3 कुर्सी लगा दी और लड़कों से बोला कि आप 100-100 रुपए मुझे दो, ठीक है। शुरुआती में एक लड़का रहेगा, फिर दो लड़का रहेगा, फिर तीन लड़के हो जाएंगे। आप एक मतलब एक दुकान से 300 रुपए की आमदनी करना, ज्यादा नहीं इतना ही करना, 100-100 रुपए सिर्फ लेना। उसको बोले तू 400 कमा 500 कमा मुझे टेंशन नहीं है, मुझे सिर्फ 100 रुपए चाहिए। वो कहेगा ठीक है ना यार, इससे बढ़िया और क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 100 रुपए देना है, 500 कमा रहा हूं फिर भी सिर्फ 100 रुपए ही लेगा ये, और इसमें सामान देगा कैची बची सब इसका है, मुझे सिर्फ आना है काम करना है, 400 रुपए लेकर के जाऊंगा अगर मैं 500 कमा रहा हूं तो। वो लड़का तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको आप फ्री छोड़ देंगे कि तू जितना कमा, वो तैयार हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं उसको 50-50 रखते हैं। अब इसलिए लोग दुखी होते हैं कि यार इतना कमा रहा हूं, आधा तो ये लेके जा रहा है, और लोग इतना पैसा नहीं होता कि अपने खुद ही का दुकान कर लें। तो अगर आप चाहें तो इस 40,000 रुपए से एक दुकान बनता है एक कर लीजिए, दो दुकान बनता है दो कर लीजिए। मैं कहूंगा दो दुकान कर लेंगे किसी भी तरीके से, है ना, तो ये 300-300 रुपए यहां से और 300 रुपए यहां से भी आएगा, यानी 600 रुपए आपका रोज का आएगा। और इसको आपको करके छोड़ देना है, आपको वहां रहना नहीं है, आपको यहां नहीं रहना है, आप तो अपना ही बिजनेस में लगे रहिएगा, छाते वाले बिजनेस में रहिएगा। आपको 40,000 से आप पैसे बचा करके फिर छाता मंगाइएगा, फिर जो है मतलब आप इसका काम शुरू करते रहिएगा। आप देखेंगे ना, आप एक महीने के बाद आपके पास 80,000 रुपया हो जाएगा, 80,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, एक जगह ये कर दिया, एक जगह मतलब आसपास मत कीजिएगा, एक 5 किलोमीटर दूर पे ये कर दिया, 5 किलोमीटर दूर पे ये कर दिया, और फिर जो पैसा आप कमा रहे हैं वहां से फिर आपने 5 किलोमीटर दूर पे एक और दुकान कर दिया। आपको 4 दुकानें भी अगर कर लेते हैं ये पैसों का जुगाड़ करके, 4 दुकानें करके आप छोड़ देते हैं और वहां पे लड़कों को रख देते हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये काम 12 महीना चलने वाला है। ठंडी गर्मी बरसात, गोरे लोग हैं काले लोग हैं, कोई भी कैसा भी इंसान अगर है, बच्चा है स्टूडेंट है, वो सैलून में जाता है, बाल कटवाता है, सेविंग कराता है, और ये काम कभी भी बंद नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए। ये कभी भी आपको कारीगरी नहीं आती है कोई बात नहीं, दुकान करके छोड़ दीजिए, लोग आपके लिए काम करेंगे और आपको थोड़े थोड़े करके ज्यादा रकम मिलेगा। आप देखिए 300-300 रुपये मिलता है, 600 रुपये आपका होते हैं, है ना। अगर आपने और दिमाग लगा करके 600 रुपए का और इंतजाम कर दिया, चारों तरफ दुकान करके, 4 दुकान करके अगर 600-600-1200 रुपए भी अगर आप रोज का इकट्ठा कर रहे हैं, 1200 रुपए भी, तो महीने का ये 36,000 रुपया होता है, 36,000 रुपया होता है। और आप अपना छाता वाला बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई और बिजनेस कर रहे हैं, उस पैसे से बिजनेस करे जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास, है ना, आपके पास यहाँ से 36,000 रुपया आ रहा है, आप इसको इकट्ठा किया कीजिए, 30,000 भी बच रहा है ना यार, इकट्ठा करो 30,000 भी इकट्ठा करो। अब देखोगे ना 6 महीने के बाद तो ये 36,18 180,000 रुपया हो जाएगा, यही जो सैलून से जो पैसा आ रहा है 180,000 रुपया हो जाएगा। आप इसमें क्या करो, एक कोई जगह दुकान खरीद लो, अपना निजी खुद एक दुकान खरीद लो, फिर थोड़े दिनों के बाद एक और दुकान खरीद लो, फिर थोड़े दिनों के बाद एक और दुकान खरीद लो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है, आप कमाते जाएंगे, अपना काम कर रहे हैं, फ्री होकर के ये यहाँ से पैसा आ रहा है, इसको आप दुकान बनाते जाइए, अपना निजी बनाते जाइए, और प्लस किराए पे भी लेकर बना रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा ना कि हर जगह पे आपका दुकान होगा, बोले तो 5-7 दुकान होगा, और हर जगह से थोड़े थोड़े 600-600 रुपए आ रहा होगा रोज का। और अगर 4 दुकान आपका खुद का है तब तो मतलब टेंशन ही नहीं है, है ना, उसमें रेंटमेंट कुछ नहीं देना है, ये सब कुछ आपका रहेगा। अब 4 दुकान आप करके छोड़ देते हैं तो मैं आपको बताऊं
कम से कम नहीं होगा तो 1200 रुपया आपका रोज का आएगा, 1200 रुपया सब छांटने के बाद 1200 रुपया रोज का आ रहा है, 36000 महीना होता है। आपको कितना रुपया चाहिए था, मैंने लिखा था 20000 रुपया आपको चाहिए था, यहाँ 36000 रुपया आ रहा है। अब इस अब क्या करना है, ये 20000 रुपया आपका आराम से आता रहेगा, आप बिल्कुल पैसों के मामले से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, क्योंकि ये चार दुकानें आपका खुद का हो गया है ना, और लोग दिन पे घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, काम भी बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये काम कभी बंद होने वाला है क्या? अब लोग न रहे तब ना सेविंग और बाल नहीं चलेगा, अब लोग तो रहेंगे ही, कभी मैं चला जाऊंगा, कोई और चला जाएगा, कोई और आएगा उसके बाद कोई और आएगा, जो रहेगा अपने जीवन में कुछ दिन के बाद देखेंगे ना, साल दो साल के बाद तीन साल के बाद आपके पास एक ऐसा इनकम आता रहेगा है ना, आपका खुद का सब दुकान होगा और पैसों की आपका चिंता नहीं रहेगी। क्या आपको लगता है ऐसा नहीं हो सकता है? जरा सोच के देखिए, एक मिनट गहराई से इसको सोच के देखिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हो सकता है मेरे भाई, हो सकता है। और ये मैंने सैलून का एग्जाम्पल लिया, अगर आपके दिमाग में कुछ और एग्जाम्पल आ रहा है आप उसको कर सकते हैं इसी तरीके से, लेकिन मुझे ये ठीक लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सैलून का काम जो है ये 12 महीना चलता है, ये कभी बंद नहीं होता है। अमीर गरीब हर कोई सैलून में जाता है और जाकर के अपना सेविंग कराता है, बाल बनवाता है, जो कराना है वो कराता है, ठीक है। तो शायद मैंने आपको समझा दिया, कुछ और बाकी रहा नहीं। जब आपके पास खुद का जमीन हो जाएगा तो चार दुकानें हो जाएंगी और चार दुकानों से आपका रिटर्न आता रहेगा तो आप बिल्कुल पैसों के मामले से फ्री हो जाएंगे और दुकानें भी चलता रहेगा है ना, ऐसा नहीं कि चलेगा नहीं, किसी कंफ्यूजन में मत रहना आप कि ये दुकान नहीं चलेगा, अरे चलता है, चलेगा, चलाओगे तो चलेगा, नहीं चलाओगे तो नहीं चलेगा, बहाने बनाओगे, शर्म करोगे, सोचोगे, अरे बहुत दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूजन में आप जियोगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और काम करोगे उस पे तो पैसों के मामले से आप फ्री हो सकते हो। ये आइडियाज कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत से लोगों को बहुत मन में राय होगा, अगर कोई और तरीका है आपके पास तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसा बिजनेस, एक इससे भी बेटर बिजनेस कि आप और भी क्या कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं और आप पैसों के मामले से फ्री हो सकते हैं। इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना, बहुत से लोग हैं वो कहते हैं मुझे भी आपकी तरह यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब से पैसे कमाना है, उनके लिए मैंने एक किताब भी लिखा है, बहुत आसान है ना, 350 रुपये खर्चा है, 350 रुपये खर्चा है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर के अमेजोन पे है, जाकर के खरीद करके पढ़ लीजिएगा, आप यूट्यूबर भी बन जाओगे, कुछ नहीं करना है। गूगल पे फोन पे जो चलाते हैं ना वहाँ मैंने लिंक दे दूंगा, उस किताब का नाम है ना नौकरी है ना पैसा है क्या करें है ना, गरीब क्या करें, ऐसा ही कुछ अमेजोन पे आप लिखेंगे ना कि ना पैसा है ना नौकरी है क्या करें और लिखेंगे तो वो मेरा बुक आएगा है ना, और उसका स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ, इस तरीके से मेरा बुक है, आप इसको चाहें तो नीचे है उसका लिंक, खरीद करके पढ़ लीजिएगा, आप यूट्यूबर भी बन जाएंगे 350 रुपये खर्च करके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको सब कुछ समझाया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, जय हिंद।